आज हम सीखेंगे कि हमें सबसे पहले किस काम को करवाना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। तो आप लोगों के सवाल होते हैं कि हमें सबसे पहले कॉलम डालें या ब्रिकवर्क करें, पेंट करें पहले या टाइल लगवाएं या मार्बल लगवाएं। तो इसी तरीके के सवाल के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हमें किस काम को करवाना है, उसके बाद किस काम को। तो सबसे पहले हम करवाते हैं एक्सकेवेशन, खुदाई करवाते हैं हम। खुदाई के बाद हम करते हैं फाउंडेशन, जिसमें हमारी फुटिंग रहती है। इसके बाद हम कॉलम खड़े करते हैं जो हमारा प्लिंथ लेवल तक आएगा। प्लिंथ लेवल मतलब जो आपका रोड सरफेस है उस लेवल तक आएगा, उसके ऊपर हमारा प्लिंथ बीम डलेगा। इसके बाद हमारा कॉलम डलेगा। कॉलम डलने के बाद आपका स्लैब डलेगा, और जैसे ही स्लैब डलेगा तो उसमें आपका कंड्यूट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए। इसके बाद आपकी कॉलम डलेगी वापस से और आपका ममटी। अगर आप अब 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, कॉलम स्लैब इस तरह से करना है। उसके बाद लास्ट वाले पे आपको कॉलम और ममटी करके इसको फिनिश कर देना है। सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए, कॉलम और स्लैब। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है ब्रिक वर्क। जब आप ब्रिक वर्क करेंगे तो इसके साथ ही आपको डोर फ्रेम लगाते हुए चलना है, जिसे हम चौखट भी कहते हैं। ब्रिक वर्क होने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल वर्क और पीवीसी सीपीवीसी का काम करवाना होता है, क्योंकि इसमें कटिंग वटिंग होती है ब्रिक में, और इसमें बहुत सारा कचरा भी होता है। इसलिए इसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल वर्क, बिजली का, पीवीसी सीपीवीसी पाइप मतलब जो पानी का होगा, इन सब का ये काम करवाना होता है। जब ये हो जाएगा आपका, इसके बाद आपको प्लास्टर करवाना होता है आपके घर को। जब प्लास्टर हो जाएगा उसके बाद आपको पुट्टी और प्राइमर करवाना होता है। पुट्टी प्राइमर होने के बाद आपको फ्लोर टाइल लगाना है या मार्बल लगाना है, जो आपको लगाना है वो आपको लगवाना चाहिए। इसके बाद आपको फाइनल पेंट करना चाहिए। अगर हम स्टेयर की बात करें कि हमें उसमें पहले मार्बल लगाएं या पहले रेलिंग लगाएं, तो सबसे पहले आपका मार्बल लगता है, उसके बाद रेलिंग लगती है। मार्बल लगने से पहले ही जब हम स्टेयर का ब्रिक वर्क करते हैं तो उसमें हम कूठी दे देते हैं। कहने का मतलब कि वहाँ पे एक स्टील ऐसे ब्रिक के एक ब्रिक के जगह पे स्टील को वो कर दिया जाता है, जिसमें वो बेल्ड हो सके बाद में। इसके बाद आपका मार्बल लगता है, फिर आपकी रेलिंग लग जाती है। तो हमें इस तरह से काम करना होता है, तभी हमारा स्टेप बाय स्टेप काम होता है और कम खर्चों में काम हो जाता है। अगर ये आप नियम से नहीं करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।